बोलिए। रायगढ़ प्रशासन हाय हाय, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रायगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भूपेश बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भूपेश बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप उसको बयान ले लीजिए आप। हाँ बोलिए भैया। देखिए आज तो अभी 3:30 बज चुका है, आधे आदमी को खाना मिला है, आधे आदमी को खाना नहीं मिला है, और खाना मांगने पे बोलते हैं खाना खत्म हो गया है, दवाई नहीं दे रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं, गर्म पानी नहीं दे रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं, सुबह का नाश्ता नहीं मिला है, बताइए कैसे करें हम लोग, छोड़ छाड़ के भाग के चले जाएंगे, उसके व्यवस्था के जिम्मेदार आप होंगे भैया। कलेक्टर साहब से हमारा निवेदन है, थोड़ा ध्यान दीजिए हमारी तरफ, नहीं तो ये बिगड़ जाएगा पूरा मामला, आप ख्याल करिए इस बात का। इसका नाम बोलिए हॉस्पिटल का, ये आपका मेडिकल कॉलेज कोविड केयर 200 टीवी टावर तरफ को पड़ता है, 200 बेड वाला है जी। सफाई नहीं, सफाई वफाई कोई चीज नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई कंपाउंडर है, कोई चीज का कोई व्यवस्था नहीं है पैसे का, कुत्ते टाइप का हरकत है। यहाँ पे मैं हमारे जिला प्रशासन, हमारे छत्तीसगढ़ प्रशासन को मैं अवगत कराना चाहूँगा, मैं देखिए कोरोना पीड़ित हूँ, मेरे को कोरोना पीड़ित बता के यहाँ पे लाया गया है, वैसे तो मैं आप लोगों को स्वस्थ ही नज़र आ रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं कोरोना पीड़ित हूँ, लेकिन यहाँ पे कोरोना पीड़ित लोगों के लिए कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए। ये मेडिकल कॉलेज रायगढ़ है जो उड़ीसा रोड कनकपुरा जाने वाले रास्ते में बना हुआ है, वही नया मेडिकल कॉलेज बना है, यहाँ पे ना तो कोई स्टाफ है, देखिए पूरा के पूरे मरीज जो है दरवाजा को तोड़ के बाहर आ गए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को सुबह ना तो नाश्ता मिला है और ना ही अभी खाना मिला है, अभी दोपहर के 3:30 बज चुके, कैसे करेंगे, ऐसे में हम लोग कैसे यहाँ पे रह पाएंगे। अभी हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय जी को बात करके बताए हैं, ठीक है आ रहा हूँ, बोल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, नहीं तो हम लोग यहाँ पे और नहीं रह पाएंगे, हम लोगों को कोई व्यवस्था कराए, ऐसी हमारी जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन से अनुरोध है।